मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो फिर से स्वागत है आपका इस नए व्लॉग में और नई सुबह में और आप लोग की हसीन वालियों से। और मैं उठ चुका हूँ सुबह और अभी हो रहा है सुबह 5:30 और ये मेरा डेली का रूटीन है। और मैं सुबह उठ के पहले एक दो योगासन करता हूँ और उसके बाद अपना जो कि लाइव स्टार्ट करता हूँ, जो भी कार्यक्रम करता हूँ तो उसके बाद करता हूँ। तो पहले हम एक दो योगासन करेंगे, उसके बाद आगे का कार्य स्टार्ट करेंगे। तो आप बने रहें ब्लॉग के साथ। सो दोस्तों, मैंने यहाँ पे दो योगासन किए और एक है कपालभाति और एक दूसरा। तो इनसे जो कि हमारा जो कि ये नेचुरल जो हवा होती है वो हमारे पूरे फेफड़ों तक पहुँचती है और सर तक पूरी शुद्ध हवा में पहुँचती है। इससे हमारा जो कि दिमाग का विकास होता है और बॉडी का विकास होता है, क्योंकि सुबह की ताज़ी ताज़ी हवा हमारे पूरे शरीर तक पहुँचती है। तो हमारे इससे बहुत ही सारा इससे हमें अच्छा महसूस होता है और हमारी बॉडी और दिमाग के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। तो आपसे भी यही राय दूंगा, सुबह सुबह उठ के पहले ये दो तीन योगासन कीजिए और उसके बाद अपना लाइफ जो भी है स्टार्ट कीजिए। मतलब कि आप जो भी कार्यक्रम करते हो तो इसके बाद आप स्टार्ट किए तो अपने जो भी लाइफ स्टाइल में, तो सबसे पहले आप योगा भी एक तरह से डाल देना बहुत ही ज़रूरी है। और अभी आया हूँ अपने छत में और छत से आपको व्यू दिखाता हूँ, मौसम दिखाता हूँ। काफ़ी अल्टीमेट हो रहा है क्योंकि छत में आज सुबह आ रहा है, क्योंकि नीचे रहता था पर आज मैं छत में आया हूँ तो चौखम्मा से लेकर सब कुछ बहुत ही अल्टीमेट दिखाई दे रहा है। तो आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से और उसके बाद करते हैं डेली ब्लॉग, आज का ब्लॉग स्टार्ट। सो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से है चौखम्मा का व्यू, जो कि आप देख सकते हो एकदम अल्टीमेट व्यू यहाँ पे बन रहा है। और ये चौखम्मा और बहुत ही खतरनाक यहाँ पे बादल लगे हुए और ये पूरा व्यू काफी अट्रैक्टिव हो रखा है और मौसम भी एकदम पैक हो रखा है। और ये सामने उखी मठ हो गया और ये होकर सामने हमारा प्यारा सा गाँव देवर और पूरे आसमान पे बादलों के लगे हुए और ऊपर जो कि आप देख सकते हो जंगलों की साइड हल्की हल्की धूप निकल चुकी है और सुबह सुबह जो कि पंछियों की ये चहचहाने की आवाज आप सुन रहे होंगे, नेचुरल वॉइस है जो कि काफी अच्छा लग रहा है सुबह सुबह। ये आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से और धूप भी निकल गई है वहाँ पे, आप थोड़ा देख सकते हो लाइटिंग पड़ रखी है। और ये सामने है चौखम्मा जो काफी अल्टीमेट व्यू दे रहा है। और दोस्तों, आपसे एक बात करनी थी, जो कि जो भी मेरे यूट्यूबर हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, सॉरी, तो वो कहाँ कहाँ से मुझे पता नहीं है। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ से भी हैं, जिस भी स्टेट से हैं, तो प्लीज़ इस वाली वीडियो में कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट का नाम लिखना और अगर हो सके तो अपना नाम भी लिखना और आप कहाँ से, आपका
तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप मेरा जो वीडियो देखते हो और आप मेरे जो कि व्लॉग चैनल के साथ जुड़े हुए हो। तो आपको जो कि फिर से एक बार तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ें और आगे भी जुड़े रहें और मेरा फुल सपोर्ट कीजिए। और आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे व्यू ये वादियाँ और अपना जो कि गढ़वाली कल्चर और विरासत में सब कुछ दिखाता रहूँगा जो जो मेरे से बनेगा। तो आप हमेशा वीडियो के साथ बने रहना और चैनल में हमेशा स्टे करना। और अगर आप अगर कोई नया देख रहा है वीडियो को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक करना। और साथ ही में ये प्यारा सा मौसम या देख सकते हो हर जगह एकदम बादल लगे हुए और ये पीछे हमारा प्यारा सा गांव देवर और कुछ इस प्रकार से और पंछियों की आवाज़ आप सुन रहे होंगे। तो अब करते हैं आगे का नीचे का कार्यक्रम और मैं जाता हूँ नीचे। तो आप वीडियो के साथ बने रहें। और दोस्तों आप देख सकते हो अभी जो कि धूप भी खिल चुकी है और काफी अच्छा व्यू यहाँ पे बन रहा है, अल्टीमेट व्यू, वाव। तो जो कि बादलों के बीच से जो कि बादलों को चीर के यहाँ पे सूरत भी प्रकट हो चुके हैं और ये प्यारा सा मौसम। यहाँ पे उजल ने पहना है चश्मा और उजल के एक चश्मे पे कांच ही नहीं है ये सीधा अंदर जा रहा है, ये देख इस पे कांच अगर इसे नहीं है ये देखो उजल का चश्मा बिना कांच वाला। सो दोस्तों हो चुका है अभी दोपहर में लंच का टाइम और आज हमने सब्जी बनाई लकड़ा और चौसा हो गया बात और आपको दिखाते हैं काफी अच्छा बना है तो थोड़ा इसको आज खाते हैं। और ये है लखनऊ की खिचड़ी और ये है बासमती के चावल जब खाओगे चलेगा बस। आज का मौसम बहुत ही सुहाना है, ये आप देख सकते हो बादल। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे चैनल के साथ। और आपको ऐसे ही जो कि पहाड़ी लाइफस्टाइल वीडियो मिलती रहेंगी और ये खूबसूरत वादियाँ मिलती रहेंगी। तो अगर आपने वीडियो को पूरी देख लिया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और बोलो भी कुछ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और अब मैं दिखाऊंगा गोलू को कि गोलू ने जो कि मैंने घोड़े बनाए थे गोलू को बहुत ही पसंद आए हैं। तो अब गोलू की थोड़ी सी छोटी सी वीडियो बताऊंगा जो कि घोड़ों के साथ। तो उसके बाद वीडियो को करते हैं एंड। टिकड़िक 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 घोड़े एक तो चल गया। कैसा लगा तुझे घोड़े? बहुत अच्छे है ना। किसने बनाए? आपने। मैंने बनाए नहीं। और अब ये फ्रंट, ये इनका फ्रंट।